तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है रेसिस्टेंस वेल्डिंग से रिलेटेड टू द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। ये पूछा गया था गेट 2001 में वॉट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल ये एक बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड ऑन टू प्लेट्स ऑफ 1.5 mm थिकनेस विद 6 mm डायमीटर इलेक्ट्रोड। तो हमने रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग परफॉर्म की है दो प्लेट्स के ऊपर जिनकी थिकनेस है 1.5 mm ईच, दोनों प्लेट्स की थिकनेस क्या है 1.5 mm, और हमने जो इलेक्ट्रोड जिसका हमने प्रयोग किया इलेक्ट्रोड का दैट इज ऑफ द डायमीटर 6 mm यूजिंग 15,000 एम्पीयर करंट। मतलब कई बार ना एग्जाम से जल्दी जल्दी में जीरो में गलती हो जाती है, ठीक है तो चेक कर लेना 15,000 एम्पीयर करंट फॉर अ टाइम ऑफ 0.25 seconds, और ये करंट कितनी देर तक फ्लो किया फॉर 0.25 seconds के लिए, ठीक है। Assuming interface resistance of 0.0001 ohms, हमें निकालना है heat generated in the weld is, और यूनिट दे रखी है वॉट सेकंड, मतलब वॉट सेकंड मतलब वॉट सुना है सेकंड सुना है, ये वॉट सेकंड क्या चीज है वॉट पावर की यूनिट होती है, ठीक है वर्क डन पर सेकंड एक सेकंड के अंदर, और 1 watt ये बराबर होता है जूल पर सेकंड के, ठीक है 1 watt एक वॉट क्या होता है 1 joule पर सेकंड, यहां पर यूनिट क्या है वॉट सेकंड, सो जूल पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और हमें आंसर निकालना है जूल में, ठीक है। तो हमेशा मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या दे रखा है किस यूनिट में दिया गया क्या मांगा गया किस यूनिट में मांगा गया, तो ये आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है हमें आंसर निकालना है वॉट सेकंड यानी कि जूल में, समझ आ रही है चीज। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब एक सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा, मुझे तो आपको समझाने में तो टाइम लूंगा। सो वी गॉट दीज टू प्लेट्स, ठीक है दोनों की थिकनेस बराबर है यहां नहीं लग रहा, ठीक है देन वी गॉट इलेक्ट्रोड जिसे आप बेसिकली प्रेस कर रहे हो उसका जो डायमीटर है यहां पे दैट इज 6 mm, प्लेट्स की थिकनेस है 1.5 mm। अब क्या चीज है कि यहां पर इंटरफेस पे क्या होगा हीट रिलीज होगी और उस हीट रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में जो हीट रिलीज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है आना चाहिए आपको, इट इज आई स्क्वायर आर एक सेकेंड के अंदर एक सेकेंड में या फिर वी आई, ठीक है या फिर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन 1 second। अगर टी सेकेंड्स की अगर हम बात कर लें तो टोटल कितनी हीट रिलीज हो रही है आई स्क्वायर आर टी या फिर वी आई टी या फिर वी स्क्वायर बाय आर टी, समझ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे करंट दिया हुआ है हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस दे रखी है तो हम सबसे पहले वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर, करंट कितना दिया गया 1500 का स्क्वायर, रेसिस्टेंस हमें दी गई है मल्टीप्लाइड बाय 0.001 ohm, ठीक है एंड द टाइम इंटरवल इज 0.25 seconds, ठीक है। वैसे तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं पर जब भी आप सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस को परफॉर्म करें प्लीज मेक श्योर मतलब गिवन फॉर्मूला यूज्ड डायग्राम सब कुछ क्लियर होना चाहिए, और डायग्राम ऐसा मत बनाना कि ये दोनों बराबर है ये इतना मोटा है इतना पतला है, और हम कह रहे हैं 6 mm थिकनेस है इलेक्ट्रोड की वो हमने इतना बना रखा है, ठीक है और मतलब जो प्लेट्स है वो इतनी मोटी मोटी दिखा रखी है, मतलब थोड़ा देखने में सही लगना चाहिए, ये रफ था। सो इट इज 1500 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, सो इट गिव्स अस आंसर क्या आ रहा है इट इज 5625 joules यानी कि 5625 watt second। सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व सच अ सिंपल प्रॉब्लम।